नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंकित तिवारी है और मेरे चैनल कूलिंग मंत्र पे आपका स्वागत है। आप ये जो बहुत बड़ी सी मशीन देख रहे हैं, ये स्पायरल ब्लास्ट फ्रीजर है। इसका टेम्परेचर रेंज -45 है। ये कहाँ पे उपयोग होता है? जहाँ पे हमको कंटिन्यूसली प्रोडक्शन चाहिए होता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। आप ऊपर देख सकते हैं टेम्परेचर भी -28 चल रहा है, अभी चलेगा और तो ये -45 तक जाएगा। अंदर से देखिए किस तरीके से ये स्पायरल कर रहा है और किस तरीके से इसमें प्रोडक्शन होता है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए ये स्पायरल हो रहा है, पूरा घूम रहा है। एक तरफ से प्रोडक्ट एंटर होगा और दूसरी तरफ से ब्लास्ट होकर वापस लौट के आएगा। ये जो इसका घूमने की जो टाइमिंग है, उतनी देर में ही प्रोडक्ट आपका ब्लास्ट हो जाएगा। आपको उससे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसकी जो मशीन है इस तरीके से पावरफुल लगाई गई है कि जल्दी जल्दी ब्लास्ट कर सके और ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट को ब्लास्ट कर सके। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं, अभी इसमें कुछ आइसक्रीम के कोन्स हो रहे हैं। इसकी कैपेसिटी है तकरीबन 6000 कोन पर आवर। इसे इसमें आप फ्रोजन आइटम भी ब्लास्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के जो आइटम्स हैं जिनको आपको ब्लास्ट चिलिंग करनी है, उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। अब इसको हम अंदर से देखते हैं कैसा दिखता है। अंदर से देखिए काफ़ी ठंडक काफ़ी है, बहुत देर में खड़ा नहीं हो पाऊंगा, नहीं तो मेरी हड्डियां जम जाएगी। इसमें अभी कोन ब्लास्ट हो रहे हैं, पूरे स्पायरल हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहा है। जितने घूमने की टाइमिंग है उतनी देर में ये घूम के और ब्लास्ट होकर बाहर निकल जाएगा। ये ऐसा नहीं है केवल आइसक्रीम हो सकती, इसमें किसी भी तरह का फ्रोजन आइटम आप इसमें ब्लास्ट चिलिंग कर सकते हैं। आप ऊपर जो देख रहे हैं ये इवेपोरेटर यूनिट, ये ही इसके अंदर कूलिंग लेके आ रहा है और इसकी कूलिंग भी काफ़ी फास्ट होती है। इससे फटाफट आपका प्रोडक्ट बन के बाहर निकल। अगर आपका लार्ज स्केल पर अगर आपको काम करना है, तब ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। लेके आ रही है, एक बार इसको हम पीछे देखते हैं, इसका रेफरेंस सिस्टम कैसा है। अंदर एकदम ठंडी एकदम हड्डी जमा देने वाली थी, मुझे जल्दी जल्दी बाहर निकलना पड़ा। ये इसका एक रेफरेंस सिस्टम है, इसमें फ्रॉस्ट कोल्ड का कंप्रेसर लगा हुआ है। ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंप्रेसर कितना बड़ा लगेगा, अंदर की यूनिट कितनी बड़ी लगेगी, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैपेसिटी का पर आवर का इसका प्रोडक्शन चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी है, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और अगर डिटेल में आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।